रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक एक बार फिर अपनी इस्कंदर मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन करते दिखाई दिए। रूस अपनी इस घातक मिसाइल से यूक्रेन के कई इलाकों को तबाह करने का दावा कर चुका है और साथ ही अपनी इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस उन देशों को डराने के लिए भी कर रहा है जो उसके लाख समझाने के बावजूद नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़े हैं। कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि रूस ने अपनी इस्कंदर मिसाइलों को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया है। इस बीच रूसी सेना ने एक बार फिर अपनी इस घातक मिसाइल की ताकत को परखा। सामने आए वीडियो में दिखा कि एक बड़े ट्रक पर तैनात इस्कंदर मिसाइल को जैसे ही हमला करने के लिए छोड़ा गया वो तेजी से आसमान की तरफ उड़ गई। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि रूस ने किस जगह अपनी इस मिसाइल का दम दिखाया, लेकिन जो वीडियो जारी हुआ उसमें रूस के सैनिक इस मिसाइल के साथ युद्ध का अभ्यास करते दिखाई दिए। रूस के इस्कंदर मिसाइल की खासियत यह है कि यह परमाणु और गैर परमाणु हथियार दोनों को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता भी है और यह 400 से 500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इस्कंदर मिसाइल की एक और खासियत यह भी है कि यह एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है और रास्ता बदलकर अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। वहीं ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के घर में घुसकर वार किया। आरोप है कि रूस के मिलिट्री बेस को निशाना बनाने को लेकर यूक्रेन ने जोरदार धमाके किए। ये सैन्य अड्डे रूस की सीमा के करीब थे। जिन पर डेली मेल के दावे के मुताबिक सुबह के वक्त यूक्रेन ने धावा बोला। सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें रूस के ब्रेंस्क में मौजूद कुछ जगहों से धुएं का गुबार उठता नजर आया। आरोप है कि यहां रूस के मिलिट्री अड्डे थे जिन पर यूक्रेन ने मिसाइलों से हमला किया। हालांकि रूस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन वहां उसकी सेना के हेलीकॉप्टर और कुछ जवान जरूर गश्त करते नजर आए। डेली मेल ने आरोप लगाया कि रूस इस हमले को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि वहां कई जगहों पर मिसाइलों के पुर्जे गिरे नजर आए, जिसके बाद आशंका जताई गई कि यूक्रेन ने आसमान से मिसाइलों की बारिश की और रूस की सीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद उसके सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया।